नमस्कार, मैं रेणु चौहान और आप देख रहा हूँ का 24/7। दिल्ली के खानपुर बरगद वाले पार्क में श्री राम सेवक संगम के द्वारा संगीतमय श्री राम कथा एवं भजनों का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा शिव कुमार पाठक के द्वारा पढ़ी गई। बता दें कि राम कथा का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। राम सेवक संगम यहाँ पर राम कथा का आयोजन लगभग 3-4 सालों से बड़ी ही धूमधाम से करते आ रहे हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए आसपास के इलाके जैसे तुगलकाबाद, संगम भ्या, देवली, अंबेडकर नगर, साकेत समेत कई और इलाके के श्रद्धालु ने राम कथा एवं भजनों को सुना और झूम झूम कर नाचने लगे। वहीं वीरवार के चौथे दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। आइए दिखाते हैं आपको खानपुर से हमारे संवाददाता महेंद्र आर्या की श्री राम सेवक संगम के पदाधिकारी से हुई बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर में। आपको बता दें यहाँ पर श्री राम सेवक संगम के द्वारा एक राम कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर ये लोग कब से कार्यक्रम करा रहे हैं और कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, आइए बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं श्री राम सेवक संगम के, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार भंडा है। सतीश जी, राम कथा का आयोजन आपके द्वारा यहाँ पे हो रहा है, कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं? हमें करीब 4-5 वर्ष हो गए हैं ये कार्यक्रम करते हुए और हमें यहाँ के हमारे क्षेत्रवासियों का बहुत सहयोग मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिसके कारण हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाते हैं, वरना हम 4-5-6 लोग इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाते। प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे आपने कार्यक्रम जो आपके द्वारा किया गया है, कब से शुरू हुआ है और कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? ये जी 9 दिन चलेगा। कभी 9 दिन चलेगा। कब से आपने शुरुआत करी है यहाँ कार्यक्रम? 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल हो गए। और दिन कितने हुए अभी शुरू किए? 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए, अभी 5 दिन और कार्यक्रम, 5 दिन और चलेगा, 5 दिन और चलेगा। अच्छा, और इस कार्यक्रम में आपके द्वारा लोगों को जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनका प्रसाद की कोई व्यवस्था वगैरह भी है? फुल व्यवस्था है उनकी, पूरे हम सिस्टम से प्रसाद बांटते हैं, किसी को परेशानी ना हो गई और सब इंजॉयमेंट करते हैं फुल। बालाजी से आप यहाँ पे जोत लेके आए हैं, कहाँ से लाए जोत आप? बालाजी से लाए। लाने में आपको कोई कठिनाई वगैरह का सामना करना पड़ा होगा? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कितने सालों से कार्यक्रम कराते आ रहे हैं आप लोग? 4 साल से होता है। सम्मिलित होते आ रहे कार्यक्रम जो है यहाँ पे, जो श्री राम सेवक संगम है, ये कितने सालों से यहाँ पे कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं? 3 साल से। तो आप भी 3 साल से लगातार इनके कार्यक्रम करते आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धालु है, जो इनकी संख्या जो है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? कितने दिन कार्यक्रम चलता है ये वाला और कितने दिन तक चलेगा आने वाले समय? ये राम कथा जो नवा बोलते हैं, 9 दिन का ही होता है, 2 दिन का कथा चलता है, 10 दिन भंडारा होता है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा जी। अच्छा, ये जहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, कितने समय से आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम कराते आ रहे हैं? 4-5 साल से करा रहे हैं और इसमें हमें बहुत आनंद मिलता है और हम चाहते हैं ये 9 दिन नहीं, पूरा साल चलता ही रहे। जितना खुशी हमें यहाँ पे आके मिलती है सबको, हम नहीं जानते हमें कितनी खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है यहाँ पे आने पे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, आप आए हो इधर, बहुत अच्छा लगा। और हर बारी इतने आए, इतने आते रहना जब तक हर साल होता है, आप जरूर आइएगा। आपने देखा यहाँ पे लोगों में एक खुशी की लहर है और लोगों में बहुत ही उत्साह है। ये कार्यक्रम ये लोग लगभग 4-5 सालों से यहाँ पे करवाते आ रहे हैं और आज चौथा दिन है और अभी 5 दिन और ये कार्यक्रम चलेगा। इसी तरह हर साल बड़ी खुशी और उल्लास के साथ यहाँ पे ये लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं और महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा इनको योगदान मिल रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमका 24/7 के साथ खानपुर। धन्यवाद। जैसा कि आपने श्रद्धालुओं को देखा, उनमें भक्ति की भावना देखने को मिली, महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। श्री राम सेवक संगम के पदाधिकारियों समेत महिलाओं ने भी श्री राम कथा के आयोजन में अपना बहुमूल्य समय देकर अपना योगदान दिया है। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहे हुंकार 24/7। हर खबर के साथ धन्यवाद।